अब जब न्यूज हिंदी ब्रेकिंग एशिया कप 2023 का रोमांच अब बस शुरू होने को है। छह देशों के बीच खेले जाने वाले टूर्नामेंट का आगाज 30 अगस्त से होना है। पहली बार एशिया कप का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किया जा रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि कैप्टन रोहित के लिए पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में प्लेइंग 11 चुनना आसान कार्य नहीं होगा। इसी बीच भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एशिया कप के लिए 11 खिलाड़ियों के नाम पर मुहर लगा दी है। दादा ने अपनी टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल को रखा है। नंबर 3 के लिए गांगुली ने विराट कोहली पर भी भरोसा दिखाया है। 4 नंबर के लिए भारत के पूर्व कप्तान ने श्रेयस अय्यर पर दांव खेला है। वहीं 5वें नंबर पर गांगुली ने रविंद्र जडेजा को जगह दी है। विकेटकीपर के तौर पर दादा ने केएल राहुल पर भरोसा दिखाया है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली ने अपनी प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को शामिल नहीं किया है। ऑन ऑलराउंडर के तौर पर सौरव गांगुली ने अपनी टीम में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को शामिल किया है। तेज गेंदबाजी अटैक की कमान दादा ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के हाथों में सौंपी है, जबकि स्पिन विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने कुलदीप यादव और अक्षर को दी है।